नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 14 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश की 48,000 महिलाओं को 3 महीने के मिले 4,500 रुपए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी वैना योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने पहली तिमाही के 23 करोड़ जारी करने का निर्णय 2 दिन पहले लिया था। अब सभी 12 जिलों में करीब 48,000 पात्र महिलाओं को 3 महीने के 4,500 रुपए खाते में डाल दिए गए है। दिल्ली वाटर क्राइसिस, हिमाचल प्रदेश का यू टर्न, दिल्ली को पानी देने से इनकार। दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश ने यू टर्न लेते हुए कोर्ट में कहा है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। बुधवार को ही हिमाचल ने कहा था कि उसकी तरफ से पानी छोड़ा गया है, हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। हिमाचल के इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मामला है। भाजपा ने 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों को दिए टिकट, कांग्रेस अभी मंथन में जुटे। भाजपा ने 6 विधानसभा उपचुनाव की तरह 3 उपचुनाव में भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने वालों को टिकट थमाए है। इस बार 3 पूर्व निर्दलीय विधायक को होशियार सिंह को देरा, केएल ठाकुर को नालागढ़ व आशीष शर्मा को हमीरपुर से टिकट दिया गया है। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। उधर कांग्रेस टिकटों को लेकर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शुक्रवार को दिल्ली जाने की संभावना है। इसी कारण मुख्यमंत्री का शुक्रवार को आम जनता से मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से टिकटों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। 20 जून को 33 परीक्षा केंद्रों पर 11,506 उम्मीदवार देंगे बीएड की प्रवेश परीक्षा। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने 33 परीक्षा केंद्र स्थापित किया है। आगामी 20 जून को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में 11,506 उम्मीदवार बैठेंगे। प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके लिए उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित कोलजोर और एचपीयू में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। एचपीयू में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल सरकार का फैसला, वल्क ड्रग पार्क में प्राइवेट पार्टनर नहीं लेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के अरोली विधानसभा क्षेत्र में बालक डाक पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी तथा इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी इस परियोजना में अब राज्य सरकार प्राइवेट पार्टनर नहीं लेगी। प्रोजेक्ट की डीपीआर में स्ट्रेटेजिक पार्टनर का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार 10 वर्षों तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी। मानसून, शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में स्थापित होगी एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएगी। ये निर्णय वीरवार को शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में प्रदेश में आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में लिया गया है। बैठक में एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित करने के लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नदी किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जान माल की हानि ना हो। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बंद और नदियों में पानी का स्तर मापे जाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बांध प्राधिकरण अपनी मशीनरी और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखे।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने अवगत करवाया कि प्रदेश में इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून सामान्य रहेगा। सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बनाए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने वर्ष 2016 में ये याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। एक साल से पुरानी पेंशन के वाली के इंतजार में बिजली बोर्ड के 6,121 कर्मचारी सीएम सुख से उठाई मांग। राज्य बिजली बोर्ड के 6,121 कर्मचारियों का पुरानी पेंशन वाली के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। बीते एक साल से बोर्ड में ओपीएस वाली नहीं होने से कर्मचारियों में भारी रोष पनप रहा है। गुरुवार को इस बाबत बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर पुरानी पेंशन को बोर्ड में बहाल करने की मांग उठाई। बीते साल ओपीएस वाली के लिए कर्मचारियों ने कई दिनों तक बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस सहित सभी जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया था। सरकार ने जल्द पुरानी पेंशन की बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब एक साल बीतने के बाद भी बोर्ड में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। बोर्ड के 6,121 कर्मचारियों के वेतन से कटने वाली राशि भी अब भारत सरकार को जमा करवाई जा रही है। सड़कों की टायरिंग की होगी जांच, काम में हुई गड़बड़ी तो सिक्योरिटी होगी जब्त। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की टायरिंग की जांच होगी। इसके लिए विभाग ने जांच टीम गठित की है। अगर टायरिंग की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई तो अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। इस वर्ष सरकार ने 2000 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग करने का लक्ष्य रखा है। अगस्त तक टायरिंग होनी है। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता को टायरिंग के समय फील्ड में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। टायरिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदारों की सिक्योरिटी जब्त होगी। हिमाचल में बर्फबारी व बारिश कम होने से कई जिलों में सड़कों को कम नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति, मंडी, किन्नौर, चंबा और जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। टायरिंग के लिए आजकल मौसम बेहतर बताया जा रहा है। 30 डिग्री से अधिक तापमान टायरिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल में सड़कों की टायरिंग का काम जोरों पर चल रहा है। राज्य, जिलों और गांवों के संपर्क मार्गों में सड़कों की टायरिंग की जा रही है। चंद्र कुमार देहरा, रोहित नालागढ़ और धर्मानी हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी नियुक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार को देहरा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को नालागढ़ और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी को हमीरपुर का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश केमटा ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हेड कांस्टेबल के लापता होने पर बढ़ के लोग डीआईजी सीआईडी क्राइम करेंगे जांच। सिरमौर पुलिस के कालाम थाना में तैनात हेड कांस्टेबल जसवीर का वीडियो वायरल होने के बाद लापता होने के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। मामले में गुरुवार को हेड कांस्टेबल जसवीर के परिजन एवं ग्रामीण पोंटा साहिब क्षेत्र से जिला मुख्यालय नान पहुंचे और यहाँ उपायुक्त सिरमौर और पुलिस अधीक्षक सिरमौर के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई एवं लापता हुए जसवीर को तुरंत तलाश करने की मांग उठाई। लापता पुलिस कर्मी की पत्नी अनीता ने कहा है कि उसके पति जसवीर को एसपी सिरमौर ने दबाव बनाकर प्रताड़ित किया और डराया धमकाया, जिस कारण उसका पति लापता है। उन्होंने कहा है कि उसके पति को सौंपे एक मामले में एसपी अपने अनुसार कार्यवाही करवाने की बात कर रहे थे, जिस कारण उसका पति बेहद परेशान था। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोहटा ने बताया कि पुलिस ने बीते काल ही लापता पुलिस कर्मी की रिपोर्ट कालाम पुलिस थाना में दर्ज की थी। 5 टीम में सिरमौर पुलिस की लापता पुलिस कर्मी की तलाश में लगी है। परिजनों ने मांग की है कि उक्त मामले की जांच विशेष टीम गठित कर करवाई जाए, जिसको लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामला सीआईडी क्राइम को सौंप दिया है। अब आगामी कार्यवाही सीआईडी क्राइम मामले में करेगी। टांडा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को रैगिंग रोकने के लिए जल्द मिलेगी एक्शन लेने की सख्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में हाल ही में
छात्रों के साथ हुए रैगिंग मामले के बाद अब कॉलेज प्रशासन रैगिंग को लेकर और सख्ती कॉलेज में बरतने जा रहा है। कॉलेज प्रशासन जल्द ही नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार टांडा मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारियों को रैगिंग के मामलों पर एक्शन लेने के लिए अधिकृत करने जा रहा है। प्रशासन की माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में 2 सालों में 2 मामले रैगिंग के सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ये भी सुनिश्चित करने जा रहा है कि यदि कोई भी कॉलेज का छात्र परिसर में शराब पीता हो या बार से शराब पीकर कॉलेज परिसर में पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। खबर चंबा से, आईबी अधिकारी के हत्या का आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जिला चंबा के कियार में आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को वीरवार को पुलिस ने चंबा की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि में पुलिस आरोपी से मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाएगी। जिला चंबा के कियार में केंद्रीय गुप्तचर विभाग आईबी में तैनात जूनियर इंटेलिजेंस अधिकारी की हत्या हो गई थी। मंगलवार को वे कियार बाजार में एक ढाबे पर ढाबा संचालक के साथ देर रात तक शराब पी रहा था। अधिकारी और ढाबा संचालक राजकुमार के बीच किसी बात को लेकर कास होनी होगी। इस बीच राजकुमार ने रोड से उस पर प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई थी। वेदर अपडेट, हिमाचल में अभी और आएगी गर्मी, 72 घंटों तक 10 जिलों के कई भागों में लू चलने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार काम है। अगले 72 घंटे के दौरान 10 जिलों के कई स्थानों पर लू चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटों में सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भीषण लू चलने की संभावना है। इन जिलों में 16 जून तक लू जारी रहने का अलर्ट जारी हुआ है। उधर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। प्रचंड गर्मी से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी पूरी तरह से तप रहे हैं। मैदानी जिलों में गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। न्यूनतम तापमान चढ़ने से रात के समय भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 18 व 19 जून को कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। सीएम सुकू के हस्तक्षेप के बाद मंत्री गोम और धर्मानी को मिली सरकारी कोठियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद आयुष मंत्री यादवेंद्र गोम और टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी को सरकारी कोठियां आवंटित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपने आवास में जाएंगे। उनकी कोठी यादवेंद्र गोमा को दी गई है। पूर्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सचिव की कोठी राजेश धर्मानी को दी गई है। खेड़ा प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए है। नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। अपराधियों का हर तरफ बोलबाला नजर आ रहा है। एक के बाद एक जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में व्यस्त है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी तो इससे प्रदेश को नुकसान होगा। सरकार को आम आदमी की जान की परवाह नहीं है। आए दिन होने वाले हत्याकांड से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस अराजक तत्वों पर अपनी निगरानी बढ़ाए और अपराध पर लगाम लगाए।